सो हे गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। आई अबाउट इन दिस वीडियो हॉट एप्लीकेशंस। सो गाइज, आई एम देव, दिस इज माई YouTube चैनल। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को, द साइंस क्लब दौसा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक नहीं किया, तो गाइज वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे हॉट एप्लीकेशन क्या होते हैं, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। चार नंबर में आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉट एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन क्या है, उनका क्लासिफिकेशन आप लोगों को करना है। तो चलिए देखते हैं हॉट एप्लीकेशन क्या होते हैं। गर्म एप्लीकेशन होते हैं, क्या होते हैं, गर्म एप्लीकेशन होते हैं, जो कि क्यों दिए जाते हैं वो मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। बट अभी यहाँ पर आप लोग इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लीजिए। तो हॉट एप्लीकेशन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो टू टाइप का होता है। अगर फर्स्ट की बात करें तो वो होता है लोकल, सेकेंड की बात करें तो वो होता है जनरल। ठीक है ना, फर्स्ट होता है लोकल, सेकेंड होता है जनरल। लोकल के अंदर भी टू टाइप से सब डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है ड्राई हीट और सेकंड होता है मॉइस्ट हीट। फर्स्ट होता है ड्राई हीट एंड सेकंड जो होता है वो होता है मॉइस्ट हीट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ड्राई हीट जो होता है, ड्राई हीट जो होता है वो क्या होता है, क्या इसके एप्लीकेशन होते हैं या किन किन चीज़ों का इनमें यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें हॉट वाटर बोतल का इसमें यूज किया जाता है। किसके अंदर, ड्राई हीट मेथड जो है वो किसका मेथड है, लोकल का, और इसके अंदर हॉट वाटर बोतल का यूज किया जाता है। केमिकल हीटिंग बोतल का यूज किया जाता है, साथ ही इंफ्रारेड जो होती है उनका यूज किया जाता है, हीटिंग लैंप का यूज किया जाता है। हीटिंग लैंप का यूज किस तरीके से किया जाता है, आपने लैंप देखा होगा और वो लैंप जो होता है वो बेड के आसपास रख देते हैं, जिससे कि थोड़ी सी हीट प्रोवाइड हो जाती है और जो भी पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, उसको मतलब कि सर्दी कम करने के लिए हीटिंग लैंप का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो क्रेडल होते हैं उनका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक क्रेडल क्या होते हैं, ऐसी मतलब कि एक होते हैं, मतलब कि कुछ इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेडल उनको बोला जाता है। वो कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों को इमेज लगा दूंगा, आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। इस तरीके से जो है पेशेंट को या क्लाइंट को जो भी होता है उसको मतलब कि जो भी वार्म देने के लिए, ठीक है ना, इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड भी होते हैं जिनके नीचे मतलब कि बेड होता है, किसी पेशेंट को बेड पे देना है, हाथ में देना है, कहीं पे देना है, तो हीटिंग पैड होते हैं। उन पैड वो थोड़ी हीट करते हैं जिससे कि हम जो भी हमको जहां पर भी हीट एप्लीकेशन यूज करना है वहां पर हम जो है उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मॉइस्ट हीट मेथड। कौन सा आता है, इसका एक दूसरा टाइप है, वो है मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट के अंदर क्या करेंगे, मॉइस्ट का मतलब होता है हल्की नमी, हल्की नमी मॉइस्ट के अंदर आता है। तो लोकल जो बात देंगे हम, लोकल बात देंगे वो मॉइस्ट हीट मेथड के अंदर आएगी। वार्म कंप्रेस करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा कंप्रेस करेंगे, वार्म कंप्रेस करेंगे। पैराफिन बात देंगे उसको, पैराफिन बात देंगे, साथ ही जो सिर्ज बात होती है वो भी उसको देंगे। सिर्ज बात क्या होती है, सिर्ज बात जो होती है एक टोकरा होता है उसके अंदर पानी लेते हैं और उसके अंदर जो है पेशेंट को निलाते हैं, वो होती है सिर्ज बात। ठीक है ना, उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना, ये आ गया आपका सिर्ज बात। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल की। पहला हमने देखा लोकल, अब दूसरा देख रहे हैं हम जनरल। जनरल के अंदर देखिए ड्राई हीट और वही मॉइस्ट हीट, दो मेथड हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट के अंदर सनलाइट आ जाएगा, या मतलब कि सनबाथ, सनबाथ का मतलब धूप में बिठा के नहलाएंगे, सनबाथ का मतलब धूप में बिठा के नहलाएंगे। वही इलेक्ट्रिकल कडल, इलेक्ट्रिकल कडल मतलब कि कुछ मान लेते हैं आप लोगों ने हीटर देखे होंगे, हीटर, तो वो हीटर जो होते हैं उनके अंदर जो भी नाइक्रोम का तार लगा होता है वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद हीट देता है, तो ये हीटिंग कडल उस काम आते हैं, ठीक है ना। ब्लैंकेट बेड, ब्लैंकेट बेड का मतलब एक बेड होता है उसके ऊपर ब्लैंकेट होती है जिससे कि पेशेंट को जो है मतलब कि सर्दी ना लगे, कपकपी ना लगे, ये हॉट एप्लीकेशन जो होते हैं ये इसके लिए किया जाता है। मॉइस्ट हीट की अगर बात करें तो स्टीम बाथ, स्टीम बाथ मतलब स्टीम वाली भाप की तरह बात होती है वो दिया जाता है। वियरपूल दिया जाता है जो कि क्या होता है, फुल इमर्ज बात होती है, वियरपूल या जिसे हम फुल इमर्ज बात बोलते हैं। तो गाइज ये क्लासिफिकेशन था, आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा। हॉट एप्लीकेशन में दोबारा से देखिए लोकल और जनरल, मेन मेन पॉइंट याद रखना है, लोकल जनरल। इसके अंदर भी दो आते हैं ड्राई हीट मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट मॉइस्ट हीट इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हॉट वाटर बॉटल का, केमिकल हीटिंग का, इंफ्रारेज का, हीटिंग लैंप का, इलेक्ट्रिकल कडल, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड इनका यूज किया जाता है, साथ ही के अंदर इनका यूज किया जाता है। जनरल के अंदर ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, फिर आप लोग जो है इनका जनरल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।